अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एग फ्राइड राइस बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए 2 कप चावल लिए थे। इनको पानी में नमक के साथ बॉईल कर लिया था। चावलों को बॉईल किए हुए 6 से 7 घंटे हो गए हैं। 4 अदद अंडे, 1 अदद कद्दूकस की हुई गाजर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ सब्ज़ प्याज, 1/2 कप कटी हुई सब्ज़ शिमला मिर्च, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 4 खाने के चम्मच ऑयल, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 चाय का चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। सबसे पहले अंडों में नमक और काली मिर्च डालकर इनको फेंट लेंगे। नमक और काली मिर्च डालकर अंडों को फेंट लिया है, अब इनको फ्राई कर लेंगे। अंडों को फ्राई करने के लिए 2 खाने के चम्मच ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। अब इसमें अंडे डालकर इनको मिक्स कर लेंगे। अंडों को फ्राई कर लिया है, अब इनको निकाल लेंगे। इसी पैन में दोबारा 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें शिमला मिर्च, गाजर और सब्ज़ प्याज डालकर तेज़ आंच पर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चावल डाल देंगे, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सोया सॉस, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फ्राई किए हुए अंडे डाल देंगे और इनको मिक्स करके सर्व करेंगे। एग फ्राइड राइस तैयार हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपके एग फ्राइड राइस कैसे बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।